उत्तराखंड में मानपुर गांव में आया हूं, तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं यहां वार्तालाप आप लोग से किया, एक हमारे सिजेंटा धान की नई वैरायटी 4003 के ऊपर और 4001 के ऊपर सब सारी विशेष चर्चाएं की गई, तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों ने पिछले साल 52 लगाया वो भी सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम 4003 के बारे में हमने सारी जो विशेषताएँ बताई, तो हो सकता है आप लोग के गले से नहीं उतरता होगा, हो सकता है गले से नहीं उतरता होगा, क्योंकि साहब आए बता के चले गए, हमने तो कभी लगाया नहीं। हालांकि नई वैरायटी लॉन्च हुआ, इस बार सबको मिलेगा, रिटेलर काउंटर पर आएगा, मार्केट में आएगा, आप खरीद सकते हैं। तो उसी को आंखों देखा और कानों से सुना हुआ और जमीन पर लगाया हुआ जो हमारे प्रमुख जी है 4003, जिन्होंने लगाया था, आज उनसे मिलेंगे और उनके मुखार बिंदु द्वारा सुनेंगे कि इसमें क्या विशेषताएं थी, एक कट्ठा में कितना मन उपज हुआ था, खाने में कैसा था उपज, और उपज जो हुआ उसको बेचे से मुनाफा उनको क्या मिला। तो ये सब सारी चीजें प्रमुख के मुखार बिंदु द्वारा सुना जाएगा, जो आप लोगों को कहीं ना कहीं विश्वसनीय होगा। तो नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजेश। किस गांव से आते हैं? मानपुर से आते हैं। तो आपको 4003 का डेमो पिछले साल मिला था, कितने किलो का पैकेट मिला था? 3 किलो, थोड़ा ऊंचा तेज, तो 3 किलो का आपको पैकेट मिला था, तो उसको क्या किए, बेच दिए कि लगाए जमीन पर? लगाए थे। तो कितने एकड़ में लगाए थे उसको, कितने कट्ठा में लगाए थे 3 किलो? 10 कट्ठा में लगाए थे। तो आपको एक कट्ठा में उसको कितना उपज मिला था, कितना मन हुआ था? 3 मन। 3 मन हुआ था एक कट्ठा में, 3 मन। खाने में कैसा था वो? अच्छा। खखड़ी उखड़ी या किसी प्रकार का रोग व्याधि लगा था? आप बताइए इनको, हमारे किसान भाइयों को बताइए, थोड़ा तेज बताइए। खखड़ी उखड़ी जो इल्ली आता है, जो तना छेदक होता है, वो लगा था? भारी बारिश हवा चला, उसने धान गिरा? नहीं गिरा। खाए तो कैसा था, स्वादिष्ट था या? जबरदस्ती बोल रहे हैं कि स्वादिष्ट था। तो खाने में स्वादिष्ट था, उन्होंने बताया 3 मन का कट्ठा हुआ। तो आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहते हैं, क्या 4003 के बारे में क्या बताना चाहते हैं, लगाए या ना लगाए कि और लगाए? जरूरी है लगाए, मुनाफा अच्छा इसमें, बेचे उसको आप? बेचे, क्या मुनाफा मिला बताइए? अच्छा मुनाफा। अच्छा में क्या मिला, कैसे रुपए किलो मिला, कैसे क्विंटल मिला आपको पैसा? उपज ज्यादा हुआ तो मुनाफा भी ज्यादा। मुनाफा ज्यादा हुआ, आपने बेचा, आपको शायद नहीं पता होगा कैसे उसका मुनाफा मिला, उसका याद नहीं होगा आपको, लेकिन खैर ये इनके द्वारा सुनिए, ये बता रहे हैं कि बहुत ही खाने में अच्छा था, विपरीत परिस्थितियों में ये गिरा नहीं धान, बारिश तेज हुआ तब भी नुकसान कर लिया। तो इस बार प्रमुख, इस बार किसान भाइयों आप लोग से यही मैं कहूँगा कि इस बार इस धान को आप आँख बंद करके लगाइए, और मैं अभी कहके जा रहा हूँ, और जब उसकी आप कटाई करेंगे तब मैं आपके साथ आऊँगा, आपके सामने आऊँगा, उसका वजन करूँगा, और मैं तब आपको वहाँ पर स्पष्ट प्रमाणित करूँगा कि देखिए जो मैं कहा वो आपके सामने हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।